आजकल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग तरह तरह के बिजनेस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो कौन सा बिजनेस करे जिनके जरिए उनके पास इनकम आती है। जैसा कि आप जानते हैं, नौकरी रोजगार या अच्छी पढ़ाई के सिलसिले में लोगों को अक्सर शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें किराए का मकान लेकर रहना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों के पास रहने को अपना मकान नहीं होता, वो भी किराए का मकान लेकर गुजर बसर करते हैं। और खास तौर पर बड़े शहरों में किराए के मकान के लिए मारामारी रहती है, जिसमें बगैर जाने बूझे मकान किराए पर देने में बड़े खतरे होते हैं। ऐसे में मकान मालिक एक रेंट एग्रीमेंट कराते हैं। इसमें किराएदार की कुछ शर्तें होती हैं, जिनके आधार पर ही उस व्यक्ति को किराएदार के रूप में रहने का हक मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज स्टूडियो में बात करें कैसे आप रेंट पर अपना मकान दे सकते हो और दूसरों से मकान रेंट पर ले सकते हो। अब इसके लिए आपके पास में कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। अब दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट होता क्या है और ये कितने महीने के लिए होता है और क्यों ये जरूरी है। अगर आप दोस्तों रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते तो इसके आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनवाते हो तो इसके क्या फायदे आपको मिलेंगे। अब दोस्तों, मकान आप किसको रेंट पर दे सकते हो, किसको आपको रेंट पर मकान नहीं देना है, कितना आपको किराया बढ़ा रहे हो, कितना आप किराया नहीं बढ़ा सकते, ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे पॉइंट है जिस पे आज हम बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों, इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नंबर 1, रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, यह किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले समझौते का दस्तावेज होता है। इसमें मकान मालिक की तरफ से प्रॉपर्टी को किराए पर देने से जुड़ी कुछ शर्तें लिखी जाती है, जिसे किराएदार पढ़कर अपनी हां ना बताता है। इसके बाद दोनों को दो गवाहों के साथ इस पर अपने साइन करने होते हैं। आपको बता दें, अगर मकान मालिक या किराएदार इसमें किसी तरह का कोई चेंज चाहता है तो इसके लिए एक महीने पहले नोटिस देना होता है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनता है। नंबर 2, रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट और रेंट एग्रीमेंट से होने वाले फायदे। तो रेंट एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में किरायेनामा भी कहते हैं, इसे बनवाने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आपको मकान मालिक को किराएदार के दोनों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, दो गवाहों के आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, मकान मालिक को किराएदार का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मकान का किराया और सिक्योरिटी के तौर पर कुछ एडवांस जरूर लें। वही रेंट एग्रीमेंट में होने वाले फायदे की बात करें तो इसमें आपको गैस कनेक्शन लेने, कोई प्रोडक्ट को फाइनेंस कराने और पासपोर्ट बनवाने में रेजिडेंट प्रूफ के तौर पर इसका इस्तेमाल आप कई तरह से कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10-13A के अंतर्गत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। मकान मालिक के साथ फ्यूचर में किसी तरह की बहस या घटना से बचाव और मकान मालिक आपको तय समय से पहले नहीं निकाल सकता। किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई में रेंट एग्रीमेंट एक प्रमाण के तौर पर काम करता है। मकान मालिक की बेवजह की किराया बढ़ाने और घर छोड़ने की धमकियों पर भी लगाम लगाता है। इस तरह किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए इसमें फायदा होता है। पॉइंट नंबर 3, रेंट एग्रीमेंट नहीं कराने के क्या नुकसान है। तो रेंट एग्रीमेंट के फायदे तो आपने जान लिए। अगर दोस्तों आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हो और उसका रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते तो इसके आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट न होने पर मकान मालिक आपसे अपनी मर्जी से जब चाहे मकान खाली करा सकता है, अपनी मर्जी से किराए में बढ़ोतरी कर सकता है, बगैर किसी लिखित एग्रीमेंट के वो आपसे टूट फूट के पैसे भी वसूल कर सकता है। आपके पास कोई भी कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत नहीं होगा, टैक्स में छूट का फायदा नहीं ले सकेंगे। अगर किराएदार मकान में कोई घटना घट जाती है या किराएदार किसी घटना को अंजाम दे दे या देकर भाग जाए तो आपके पास पुलिस के चक्कर काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। हो सकता है आप पर भी कार्रवाई हो, जैसे कि दोस्तों आए दिन आप न्यूज में देखते ही होंगे। पॉइंट नंबर 4, रेंट एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन, मतलब की शर्तें क्या है। रेंट एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होता है कि मकान का कौन सा हिस्सा किराए पर दे रहे हैं, इसका महीने का किराया कितना होगा। एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। इसमें साल में किराया बढ़ोतरी का जिक्र होगा। इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट और मकान खाली करने के लिए एक महीने पहले नोटिस पीरियड देना होगा। बिजली पानी या कोई सुविधा के लिए दी जाने वाली फीस का भुगतान किराए में शामिल है या नहीं है, इसके बारे में भी क्लियर लिखा होगा। मकान के मेंटेनेंस के बारे में साफ साफ लिखा होगा। प्रॉपर्टी मालिक या किराएदार का नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग लिखा होगा। किराए पर ली गई प्रॉपर्टी में रहने वाली बालिक, शादीशुदा और अनमैरिड मेंबर के नाम एग्रीमेंट में दर्ज होने चाहिए। प्रॉपर्टी मालिक को किराएदार के साथ इसमें दो गवाहों के हस्ताक्षर जरूरी रूप से होने चाहिए। ध्यान दें, रेंट एग्रीमेंट को साइन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ लें, कहीं ऐसा ना हो कि मकान मालिक ने अपनी ओर से इसमें कोई और शर्तें जोड़ दी हो या फिर कोई ऐसी कंडीशन जिसे आपको आगे परेशानी हो। पॉइंट नंबर 5, मकान किराए पर देने के नियम। तो दोस्तों अब आपको बता दें, मकान अगर आप किराए पर देते हो तो इसके क्या क्या नियम है। मकान मालिक को मकान किराए पर देने से पहले किन किन चीजों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराए, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाए, इससे ज्यादा टाइम के लिए लीज एग्रीमेंट कराए और ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराएं।
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद रिन्यू कराए या फिर मकान खाली करने को कहें। मकान देने से पहले उसकी टूट फूट ठीक कराकर या रिपेयर कराकर दें। किराया एग्रीमेंट के अनुसार सालाना 10% बढ़ाया जा सकता है। अगर किरायेदार कई महीने तक किराया न दे तो किस कंडीशन में उसे बाहर करेंगे, इस बात को भी लिखित में जरूर ले लें। पॉइंट नंबर 6, अब ये तो रेंट एग्रीमेंट से जुड़ी सारी चीजें। अब यहाँ पे बात करते हैं रेंट पर किसे मकान देना चाहिए। आप दोस्तों, आप ये सोच रहे हैं कि मकान तो हम किसी को भी रेंट पर दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम बिना किसी जांच पड़ताल के किसी को भी अपने घर में रहने नहीं दे सकते। हो सकता है ऐसा करने में आपको किसी भी तरह का खतरा उठाना पड़े, इसी के साथ आपके परिवार वालों को भी दिक्कत का सामना उठाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप मकान किराए पर देना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक फैमिली को किराए पर दें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्रॉपर्टी को वो सही सलामत रखते हैं और इसी के साथ साफ सफाई भी करते रहते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट या जॉब करने वाले व्यक्ति को मकान किराए पर देते हैं तो वो दिन भर मकान में नहीं रहेंगे और ना ही साफ सफाई टाइम पर हो पाएगी। इसके साथ जब भी मकान किराए पर देते हैं तो सामने वाले का थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर पता कर लें। वो किसी भी तरह का क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों वो अपराधी और पुलिस से बचने के लिए कहीं से भागकर आपके घर में रह रहे हो और इसके जरिए आपको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मकान किराए पर देते समय थोड़ी जांच पड़ताल उसकी जरूर कर लें। पॉइंट नंबर 7, मकान का किराया कितना रखना चाहिए। तो मकान का किराया आपको मकान के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। अगर आपका मकान बहुत ही सही जगह पर है और प्रॉपर तरीके से बना हुआ है तो आप 15,000 से 20,000 रुपए भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मकान किसी मिडिल क्लास जगह पर है तो आप 8,000 से 10,000 रुपए भी चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ आप मार्केट में भी पता कर सकते हैं कि आसपास कितना रेंट है या क्या रेंट चल रहा है, उसके अनुसार भी आप मकान का किराया रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप अपना मकान रेंट पर दे सकते हो, रेंट पर मकान ले सकते हैं और क्यों ये दोस्तों रेंट एग्रीमेंट इतना जरूरी है। और आज के समय दोस्तों रेंट एग्रीमेंट बनवाना बेहद ही जरूरी है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं आज का समय कितना खराब हो चुका है। बिना एग्रीमेंट पे दोस्तों किसी को भी अगर आप मकान देते हैं तो आप इसमें आगे जाके आपको इसमें प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। तो दोस्तों बिना एग्रीमेंट के किसी को भी अपना मकान ना दें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी रहेगा। जय हिंद।